फड़ी गया जरा वेखिए पराठे ऐसन दी अम्मी ने बना के भेजे जे मूलियां वाले एक कैसे शानदार पराठे। चल बंद कर देवा फोन अलवा डिब्बे खूबसूरत हैं देखो वो पंजीरी ते बहुत ही जबरदस्त जो है पड़ गई हैं मेरे सिर दे विच ऐ कसर रह गई सी बस। जी हमारा बन गया नाश्ता तुसी परेशान ना होया करो माशाल्लाह तुसी बिल्कुल ठीक हो अपनी उम्र दे हिसाब नाल तुसी बिल्कुल ठीक हो। दवाई जुआ दी लई आ अब्बू कहंदे ने कोई जुआ दी दवाई भी लई आई टांगे दबाओ आपके अब्बू जी नहीं ना करे दौड़ ला के अल्लाह खुश रखे लड़कियां अल्लाह सलामत रखे अस्सलाम वालेकुम उठ गए हैं अच्छा जल्दी उठ गए हो अच्छा क्यों टाइम देखें जी 7 बजने में अभी कुछ टाइम था और अब्बू जी जाके बाहर फिर खड़े हो गए गेट दे विच अब्बू नू बड़ा ही चंगा लगता है बाहर खलो के बाहर वेखना और रौनक को देखना फिर अंदर आए थे कहंदे ने चला एक्सरसाइज करिए मैनू भी कहंदे ने पुत्र इंज एक्सरसाइज करया कर मैं क्या अच्छा अब्बू जी कर लाँगी तो मैं चिकन काट के रखी इतने मैं अंडा और टोस्ट अब्बू जी का वो बनाया इससे पहले अब्बू जी दही खा चुके थे फिर मैं बनाई चाह तो मैं क्या चलो मैं तुहानू चाह जिहड़ी है ना वो दवा अब्बू नू चाह बड़ी चंगी लगती है फिर मैं अपना कावा उत्ते रख दिता सौंफ दालचीनी जीरा और छोटी इलायची ये मैं ज़रूर पीती हूँ इसके साथ ना मेरी तबीयत सेट रहती है।7:30 अब्बू जी गए अपने कमरे में मैं अब यहाँ से थोड़ा टाइडी अप करती हूँ माफिया भी सो रही है वो तो उठेगी 9 बजे क्रीम जे क्रीम क्रीम हाँ अच्छा ए लाण वास्ते पैरां ते खुशकी हो जांदी तड़ियां लत्तां नी स्किन ड्राई होई उत्थे ओदे ते ला लो हैं कोई गरम जड़ी है ना गरम शर्ट कोई ओ पाओ किथे पईयां ने सलवारां कमीज़ां ने पाकिस्तान दा हो आहो हमारा बन गया नाश्ता और मैं नाश्ता करती हूँ और फिर मैं रखांगी हांडी क्योंकि गैस चली जानी है तो फिर जड़ा ना कल वाला ही पसूड़ी पैनी है इत्थे अब्बू जी जा रहे हैं बाहर बैठने के लिए 8:15 हो गए इत्थे थूम शूम छिल के प्याज श्याज कट के लसन अदरक नू चंगी तरह कुटापा चाड़ के आई मीन कुट कटा के उसको रख लिया था प्याज और क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक इसको हमने तड़फाने के बाद मैं कहा चलो दूध भी उत्ते रख लीए वो भी जड़ा ना कड़ जाए ना लिए दे और प्याजों के साथ जिंजर गार्लिक के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था आई मीन छोटे छोटे इसको दिला लिए थे यहाँ बैठे हुए थे अब्बू जी माफिया भी अपना नाश्ता कर रही थी और इसको अच्छी तरह से चिकन को भूनना है इसमें मैंने डाला था नमक मिर्च हल्दी और काली मिर्च जैसे कि आपको पता है अब्बू जी बहुत ज़्यादा हाई फाई मसालों वाली हांडियाँ नहीं खा सकते और मैनू भी नहीं सूट कर दियाँ बहुत घट बाहरों खाना जिहड़ा ना मैं खानी हाँ मैं घर ही प्रेफर करती हूँ सब कुछ बनाओ तो उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया भून बना के इतने मैं कड्ढे जे सोने जे कद्दू कद्दुओं को इस तरह मैंने वड्डी सी परात में लिया और इस तरह से चकोर चकोर पीसेस काट लिया गोश्त हमारा बड़ी अच्छी बुनाई पे आ गया था उसको भून के कद्दू इसमें मैंने सूट के इसको मैंने अच्छी तरह से फिर भुना ते ठंडी सब्ज़ी होंदी है अब्बू दस देने सानू भाई ठंडी सब्ज़ी होंदी है कद्दू और बड़ी अच्छी होती है ये खानी चाहिए सेहत के लिए तो यहाँ फिर मैंने कद्दू भून के थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दिया था दम पे और यहाँ पे फिर बाहर से माफिया ला रही थी कुर्सी कुर्सी लिया के उन्हें बहना सी बिल्कुल मेरे सामने हैं और मेरे सामने रख के कुर्सी उसने बैठ जाना था बस मैं कहती हूँ ये देखें टाइम
ऊपर अभी जो है ना 9:15 वो हुए चाहते थे। और यहाँ अब्बू जी बिस्किट निकाल के फिर अपनी चाह पीते पे सन, तो माफिया ने कहते लै पुत्र तुम ही 2 बिस्किट खा, मौजा कर, मैं भी अपना कावा पी रही थी। और यहाँ पे साथ हमारी पक रही थी हांडी, मैंने प्रेशर खोला और हांडी हमारी बड़ी ज़बरदस्त जो है इस तरह से पूज गई। फिर मैंने धनिया, ये देखें, ये आप मेरी एक और वीडियो देखेंगे, वो तो व्लॉग हले लगा नहीं, उस तो अगले दिन अगे लग गए। ये मैंने कोई 10 दिन पहले ये धनिया रखा था डिब्बे में और अभी भी ये धनिया ऐसे ही फ्रेश है। बाहर घड़किया गेट ते, मैं क्या कौन, तो वो कहता जी बिल चुक लो, तो बिल आया और मैंने फिर जाके बिल दिया अब्बू जी को। अच्छा हांडी साड़ी बन गई है, हेलो जी चलें जी, देखिए अभी 10 नहीं बजे खाना पक गया। कौन आए आज पता, मैं क्या हाय मैंने कोई नाश्ता ले आई दवे ऐसन की अम्मी पराठे बना के भेजती हैं ठहरा दरवाजा में, मैं क्या आज कोई मैंने नाश्ता भेज दवे, मैं रोज आप ही नाश्ता कर कर के मैं थक गई। ऐसन दी अम्मी ने बना के भेजे जे मूलियां वाले, एक कैसे शानदार पराठे, वधिया आज पराठे। माफिया ले आप प्लेट में दवा, देखें जी जूएं पड़ गई हैं मेरे सिर दे विच, ए कसर रह गई सी बस, और तो सारा कुछ ही हो गया। ये 2 डिब्बे आए हैं हमें, 2 डिब्बे ये मोती चूर के डिब्बे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या है। ये है पंजीरी, जबरदस्त जो भाई, बहुत जबरदस्त पंजीरी। ये पीआर हमें आया है मोती चूर स्वीट्स की तरफ से, इनका ऑनलाइन बिजनेस है। इनका फेसबुक और इंस्टा का पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, जहां से आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हाईली रेकमेंडेड, बहुत ही टेस्टी है। बादाम देखो किन्ने ने, शानदार, खा के बताएं। बहुत अच्छा, हाँ जी जी बहुत अच्छा। और ये पंजीरी, इसमें नट्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं, अब्बू जी का काम देखो है, देखें कितनी, मैंने ऐसी पंजीरी नहीं देखी भाई, बहुत अच्छी है ना, पंजीरी भी ज़बरदस्त है भाई। हो गया गरम, देखें कितने जबरदस्त पके हुए हैं, रोटी खा लो अब्बू, कोई नहीं बाद चो कर लियो, आ जाओ इतने पड़ा दो। हेलो पेंशन दी परेशानी पई, कैसी बनी हांडी? बस ठीक है बीमारा वाली आ, तो बीमारा वाली ही खानी। मैनू दवो नंबर, मैं उन्होंने करनी है फोन। अब्बू जी की डायरी देखे, बड़ा कुछ लिखा हुआ इसमें, चकवाल डॉक्टर जब। अब्बू जी को ना अपनी पेंशन से बहुत मोहब्बत है, ओदा कोई मसला बने हैं बस।
इंसान की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत ही ज़बरदस्त। आजा माफिया, थोड़ा सा हलवा दवा चा। वो अगे कहते उन्हें नहीं खाना, पता नहीं दोपहरी इन्हें किन्ने बजे रोटी खाधी है। आहो दोपहरी खाधी सासु। ले जी अबू, ना मैं नहीं खानी रोटी, तीन कुर्सियों पे बैठेंगे। देखें खाने का टाइम हो गया है और माफिया बना रही है रोटी, बड़ा शौक जन रोटी बनाने का, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मसालों का। मैंने तो नहीं खाना आज कुछ भी, और बस फिनिश। माफिया तू नहीं खानी रोटी? नहीं उसले खा ना तू ही, चाह तो नाल की खाधा ही रस पानी, रात लगेगी ना पका के रोटी पका ली अपनी। चलो खा लो, सही हो जाएगा। चल कर ला फिर सही। तो इसबगोल का छिलका, दही है, काग ला छी दो दिन एल। इसबगोल का छिलका पाया जेदे विच, हां चलो पी लो, हां पेट सही रहेगा ना इहदे नाल। कोई नहीं, परेशान ना हुआ करें हैं। अबू कोनी माशाल्लाह तुसी ठीक ठाक हो बिल्कुल, आ जाना छेती आ जा, परेशान ना होया करो तुसी माशाल्लाह, अपनी उम्र दे हिसाब नाल ना बिल्कुल तुसी ठीक ठाक हो। लोकी बेचारे मैं वेखनी हां बिस्तरियां ते पे ने, अल्लाह दा शुक्र है तुसी टुरदे फिरदे हो, साडे नाल गल्लां बातां करदे हो, हसदे खेडदे हो, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैं सोचनी हाँ कि अम्मी 67 साल के चले गए, 67 की उम्र के ताड़े जिनी जो उन्हों की उम्र होंगी तो सानू तो कोई जिंदगी कमी नहीं सी किसी चीज़ की, फिर साड़ी माँ की 80 साल की उम्र होंगी तो है तो कोई नहीं। अज इन्ना सुते भी नहीं ना दोपहरी, अज रेस्ट भी नहीं की, अजे तुसी पेंशन के पेपर की टेंशन लाई सी अपने आप में, ओदे जो तुसी थके हो आज रहन दे हैं। खोल दे, आहो आहो खोल देनी, खोल देनी। सोना जी उड़े हैं आज अबू, ऐ मैं तेरा कागज फिल करके आवे खा रखे है इत्थे, आहो आहो उत्थे जाके कराना, उत्थे करा लांगे जाके। अबू ने बस दवाई दित्ती। अबू कहते मैं नहीं तंग करती, अबू ने मैनू यही हुंदा थक जाणगे या ना मैं आप किधरे जानी हाँ, फिर वही कहणगे कित्थे चली गई है, तू पुछ लै। मैं सारा दिन घर चुल्हे तो सिंक तक, सिंक तो चुल्हे तक, उस तो बाद अपने कमरे च किधरे नहीं जाना बाहर, सारा दिन अंदर। कद्दू ते टींडे, कद्दू टींडे हैं, रोटियां हैं, हम हैं और चूल्हा है और सिंक है, बस ये दो चीज़ें हो रही हैं। उत्तों मेरे सिर च जूमा पै गई ने, पता नहीं मेरे सिर च इन्नी खारिश है, आए हाए पुछ ना पुछ कौन कढ़ेगा हुण मेरिया जूआं। अबू कहते ने कोई जूआं की दवाई भी ले आई। अल्लाह मैं अबू ने कहा, मैं कहा तुसी अपनी उम्र के हिसाब नाल माशाल्लाह बहुत सही हो, बहुत ठीक हो, तो ना परेशान होया करो अपने वाल वेख के। अल्लाह का लख लख शुक्र है, हर चीज खाते पीते हो, टुरते फिरते हो, बस पुत्रां नूं भी दुआवां दिया करो। आहो चलें जी लेटे, टांगे दबाऊं आपके अबू जी? नहीं चलो खुदा हाफिज, अल्लाह तुहानूं भी सलामत रखे, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे साडे सिर ते। अच्छा जी लो जी, बाहर की लाइट अंदर आती है काफ़ी, तो इसलिए जो है ना फिर ये अबू कमरे में लाइट नहीं जलाने देते ज़रा सी भी।